भवरगढ़ का किला सेंधवा शहर से 14 किलोमीटर दूर आगरा बॉम्बे राजमार्ग नंबर 3 पर भवरगढ़ नाम के गांव में स्थित है, जिसका अनुमानित निर्माण परमार राजाओं ने 17वीं सदी में किया होगा। किले से थोड़ी दूरी पर बिचासन घाट मौजूद है, जहां पर कुछ समकालीन वस्तुएं देखने को मिल जाती है। इस घाट और किले को लेकर लोगों का मानना है कि इन दोनों जगहों को जोड़ने का काम एक सुरंग करती है, जो गुप्त रूप से बनाई गई थी। खैर, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। क्योंकि भवरगढ़ का किला पुरातात्विक विभाग की सूची में शामिल नहीं है, इसलिए इस किले से जुड़ी कोई भी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। किला एक पहाड़ी पर बना है। उस समय इस किले के चारों तरफ घना जंगल हुआ करता था, जो सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। खैर, किला बहुत पुराना होने के कारण और उचित रखरखाव ना होने की वजह से वर्तमान में जर्जर होता जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने साल 2019 में 15.48 लाख की लागत से इसकी मरम्मत भी करवाई थी, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। भवरगढ़ का किला भी दूसरे किलों की तरह ही चूना और पत्थर से निर्मित है। किला ऊंची ऊंची दीवारों के रूप में बनाया गया है और उस जमाने में कुछ कमरे भी बनाए गए थे, जो सूरत हाल ढहने लगे है। किले में यह हनुमान का मंदिर भी काफी पुराना माना जाता है। इस किले की खास बात यह है कि इस किले का इतिहास वीर ख्वाजा नाइक के इतिहास से जोड़ा जाता है, क्योंकि भवरगढ़ को ख्वाजा नाइक की कर्म भूमि माना जाता है। ख्वाजा भील का जन्म गुमान भील के घर हुआ था। गुमान भील सेंधवा घाट के वार्डन थे और उन्हें नायक की उपाधि प्राप्त थी। ख्वाजा भील भी बड़ा होकर अंग्रेजी फौज में शामिल हो जाता है और इनका कार्यस्थल सेंधवा घाट का क्षेत्र रहता है। ख्वाजा भील जब भी गोरों का अपने समाज के लोगों पर जुल्म ढाते देखता था तो उसका खून खोल उठता था, लेकिन वह सही मौके के इंतजार में चुपचाप अत्याचार होते देख रहा था। 1 जुलाई 1857 भीलों की कुछ टोली मिलकर इंदौर रेसिडेंसी पर हमला कर देती है और ये 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी थी, जिसका नेतृत्व भीमा नायक और टंट्या भील कर रहे थे। ख्वाजा भील भी मौके की नजाकत को देखते हुए सेंधवा घाट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ देता है और कुछ साथी भीलों के साथ मिलकर युद्ध में कूद पड़ता है। उस समय निमाड़ के सभी स्वतंत्र सेनानी अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। भीमा नायक बड़वानी रियासत से लड़ रहा था, टंट्या भील खरगोन और इंदौर से। उस समय ख्वाजा नाइक सेंधवा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जब भीमा नायक सेंधवा आता है तो ये दोनों मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं। उन्हीं लड़ाइयों में ये सेंधवा घाट को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं और ये हार अंग्रेजों को भारी पड़ जाती है, क्योंकि सेंधवा से नियंत्रण खो देना मतलब निमाड़ से नियंत्रण खो देने के बराबर था। उस समय सेंधवा ही एकमात्र दक्षिण भारत को जोड़ने का मार्ग था, जिस पर अब ख्वाजा नाइक का नियंत्रण था। अब ख्वाजा नाइक सेंधवा घाट से होकर जाने वाले खजाने को लूटकर गांवों में बांट दिया करता था, जिस वजह से अंग्रेज बड़ी परेशान हो चुकी थी ख्वाजा नाइक से। इसलिए वो ख्वाजा नाइक को डाकू और लुटेरा बताकर अखबार में इश्तिहार छपाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक ख्वाजा नाइक को पकड़े जाने पर एक मोटे इनाम की घोषणा भी कर देती है। उस समय ख्वाजा भील का डेरा भवरगढ़ के किले पर हुआ करता था, जो जंगलों के बीचों बीच पड़ता था। ख्वाजा भील इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे से भली भांति परिचित था, जिस वजह से अब अंग्रेजी फौज भी इस इलाके में आने से डर रही थी। अब ख्वाजा नाइक का दल 2200 से 2500 हो चुका था, जिसमें अधिकतर महिलाएं भी शामिल थीं। 26 अक्टूबर 1857 होलकर साम्राज्य से लूटा हुआ खजाना बड़ी तादाद में मुंबई पहुंच रहा था, लेकिन एक बार फिर ख्वाजा नाइक आता है और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर उस खजाने को भी उड़ा ले जाता है। अब अंग्रेजी फौज हरकत में आ जाती है और भीलों को टारगेट करने लगती है। उन्हें पकड़कर या तो कैदी बना दिया जाता था या फिर उन्हें मौके पर ही गोली मारकर शूट कर दे रही थी। लेकिन ख्वाजा नाइक का विद्रोह रुकता नहीं है। वो मराठा की योद्धा साथियों के साथ मिलकर अपने आगे की लड़ाई जारी रखता है। 3 अक्टूबर 1960 को ख्वाजा नाइक को धोखे से पकड़ लिया जाता है और उनका सर कलंक कर सेंधवा किले में फेंक दिया जाता है, ताकि ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह करने का कोई भी दुस्साहस ना कर सके। और यही अंत था हमारे शूरवीर ख्वाजा नाइक का। जरा सोचिए, इनकी ही तरह कितने ही ऐसे नायक होंगे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया होगा, और ऐसी कितनी ही अनकही कहानियाँ होंगी जो आज तक कभी पढ़ी नहीं गई। और 1857 की क्रांति में निमाड़ के शूरवीरों की क्या कहानी रही होगी। खैर, ये तो ऐसे सवाल है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे,
और जिनका जवाब भी शायद मिलने से ना रहा, लेकिन मैं इस विषय पर एक अलग वीडियो बनाकर विस्तार से बात करना पसंद करूँगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। इन किलों को लेकर बार बार सुरंग की बात सुनने को मिलती है। कोई कहता है सेंधवा के किले में भंवरगढ़ के किले तक सुरंग है, तो कोई सेंधवा किले से बिजासन घाट पर सुरंग होने का दावा करता है। उसी तरह रामगढ़ के किले से धाबा बावड़ी तक सुरंग होने की बात भी आती है। ये सब सिक्के के दो पहलू की तरह है। जितनी संभावना किले में सुरंग ना होने की है, उतनी ही संभावना सुरंग होने की भी है। एक पहलू वो है जहां हम इन जगहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता है, जिसके आधार पर हम सुरंग होने की संभावना देखते हैं। वही दूसरा पहलू हमें सुरंग ना होने का दिखता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। आज भी इन जगहों के बारे में एकदम सटीक जानकारी किसी के भी पास नहीं है। बार बार लोगों का एक ही बात का जिक्र करना और सुरंग की तरफ इशारा करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें पता है इन किलों का निर्माण राजाओं ने किया है, और राजा आपातकाल में हमलों से बचने के लिए और खजाने को लाने और ले जाने के लिए अक्सर सुरंग बनाते थे। देखो, पहली बात तो सुरंग खोदना, और इतनी लंबी सुरंग खोदना वो भी बिना लोगों की नज़रों में आए, थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। अगर वास्तव में सुरंग है तो अभी तक किसी ने देखी कैसे नहीं, और पुरातात्विक विभाग के पास इसकी जानकारी क्यों नहीं है। देखो, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये सब धारणाएं हैं, मैं कुछ भी दावे से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि क्या पता भविष्य में क्या नए खुलासे खुल जाए इन जगहों को लेके, और हमें इन रहस्यों को समझने के लिए एक बेहतर नज़रिया मिल जाए। क्या आपने कभी इस तरह की कोई स्टोरी सुनी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बिली पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में।